मस्जिद को लेकर फैसला आया, हिंदू पक्ष को अब तय खाने में पूजा करने की इजाजत दे दी गई, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायोलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रिहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट है, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था, तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद अलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। सर बिहार के सीमांचल में अब बस आपने ट्वीट किया था।